Have a very sweet day to all of you. I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। रोज का काम रोज कर रहे होंगे ये भी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th accountancy से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका की नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और हम करेंगे इसका इलस्ट्रेशन, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन का नंबर है 59। जी हाँ, और हम 59th इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ। इस ए बी 59th इलस के अंदर जो है ABC तीन पार्टनर है, ठीक है। ए ने गट पे लगाई हुई है 1,00,000 रुपीज, बी ने गट पे लगाई हुई है 80,000 रुपीज, सी ने गट पे लगाई हुई है 60,000 रुपीज। अब क्या हुआ कि 2016 में और 2017 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं हम इन्हें, हैज बीन पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। परंतु जैसे ही हमने 31 मार्च 2017 के अकाउंट क्लोज किए, हमें ये पता चला कि हमारे पास कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देते। अब सवाल यह है कि हमने इनको देना नहीं है, हमने भूल चुक से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 का भी दे दिया, 2017 का भी दे दिया, मतलब उनके खाते में क्रेडिट कर दिया। अब हमें इस गलती को सुधारना है, अब इसको क्या करना है, वापस रिकवर करना है। तो जब हमें देना होता है तब हम क्रेडिट करते हैं। आज हमने इस गलती को सुधारना है कि जो दिया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, उसे हमने डेबिट करना है। उसमें हमें उस चीज को रिकवर करना होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उसे रिकवर करना होगा, अर्थात वापस लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ए का, बी का और सी का अकाउंट जो है डेबिट करेंगे। पहले हम देख लें 6% इंटरेस्ट बनता कितना है। 1,00,000 पे अगर 6% इंटरेस्ट की कल्पना करते हैं, निकालते हैं, तो वो बनता है 6,000। 80,000 पे 6% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो बनता है 4,800। और अगर मैं सी के 60,000 रुपये भी अगर 6% की कल्पना करता हूँ तो मेरा बनता है 3,600। इस तरह 2016 का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा, ए का 6,000, बी का 4,800, सी का 3,600, टोटल 14,400। ये रिकवर करने हैं उनसे, जब किसी से रिकवर करने होते हैं उससे वापस लिए जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाते हैं। ये डेबिट की फिगर है मेरे बच्चों। आगे है फॉर द ईयर 2017, 2017 की, 2017 का भी वापस लेना है 6,000, 4,800, 3,600, टोटल 14,400। अगर हम देखें 6,000 कितने होंगे, ए के खाते में 12,000, बी के लिए 9,600, सी के लिए 7,200, टोटल 28,800 हमने इनसे रिकवर कर लेने हैं। टोटल अमाउंट रिकवरेबल जो रिकवर कर लेनी है फ्रॉम पार्टनर, क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जा चुका है, इनके खाते में क्रेडिट कर लिया है, लेकिन ये प्रोविजन है ही नहीं कि हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, तो हम इन्हें वापस ले रहे हैं। तो ये रिकवरेबल अमाउंट है, इसको क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। अब फॉर द, अब करना क्या है कि ये अमाउंट अगर हम डेबिट कर लेते हैं, रिकवरेबल कर लेते हैं, तो देना क्या है, देना है कि हर साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इसके रेशो में बांटना था, इसके खाते में इनके अलग जो हमें दे रखे हैं दो साल के, 2016 का जो है और 2017 का है, इनके हमें लाभ हानि रेशो दे रखे हैं। 2016 का जो लाभ हानि रेशो हमें दे रखा है मेरे बच्चों, वो है हमारा 3:2:1, ये रहा, और 2017 का रखा है 5:3:2। इस तरह जो 14,400 का पहले वर्ष का जो हमने रिकवर किया है अमाउंट, इसको हम बांटेंगे 3:2:1 में, जो इस प्रकार से बटेगा 7,200, 4,800, 2,400, टोटल 14,400। इस प्रकार से अगला भी जो अमाउंट हमने रिकवर किया वो कितना, 14,400, ये भी बटेगा 5:3:2 में, 7,200, 4,320 और 2,880, टोटल अमाउंट कितना है 1,440। इस प्रकार से ये जो डेबिट की रकम थी, इतनी ही रकम इन्हें प्रॉफिट के रूप में देनी पड़ेगी। जब हम ये अमाउंट रिकवर कर लेंगे, इसे डेबिट कर लेंगे, फिर इस डेबिट की रकम को हमें क्या करना पड़ेगा, अब प्रोविजन नहीं था, इन्हें वसूल लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, तो इसी प्रॉफिट को जो दोनों साल का आ रहा है, ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है पहले साल का, इसे पेनल रेशो में बांट देंगे, क्रेडिट करेंगे, अभी क्रेडिट की फिगर है। और इस तरह 2017 के प्रॉफिट को भी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जो कलेक्ट किया है, रिकवर किया, इसको भी बांट देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट कितनी है, 14,400, 5,120, 5,280, टोटल 2,880। इस तरह से एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट करना है। अब असल में देना है 14,400 और रिकवर किया है इससे 12,000, इसे तो 2,400 रुपये और देने हैं, 2,400 देने हैं तो क्रेडिट कर देंगे, अर्थात यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है, तो ए का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देने हैं 9,120 और इससे रिकवर हुए हैं 9,600, यहाँ हमने
क्रेडिट कर रहे हैं 9120 और लेने हैं 9600, तो इससे 480 रुपीज ले लिए जाएंगे। ये जो अकाउंट है बी का, बी इज करंट अकाउंट, ये भी हम डेबिट करेंगे कितने से, 480 से, ये आएगा 2400 से। और एक और रहेगा सी, सी से सी को देने हैं 5280, इससे रिकवर करने हैं 7200, तो इसे रिकवर कर लेंगे, सी इज करंट अकाउंट 1920। अभी उतनी रकम डेबिट में जितनी क्रेडिट में है, और करंट अकाउंट मेरे को तब खुलता है जब कैपिटल फिक्स रूप से हमें दी होती है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ही खोला जाता है।